अभी हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग में आता है, कितने नंबर का आता है, मार्क्स है 5, किसमें, जेके बोस में. बात समझ आई कि नहीं, ये चीज ध्यान में रखना. अब मेरी बात सुनो, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या 11 से ही पढ़ना शुरू किया? नहीं, हमने 11 से पढ़ना नहीं शुरू किया, हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन को 9th से ही स्टार्ट कर लिया था. और हमें ये बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होते हैं. कौन कौन सा होता है? एक होता है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. बात समझ आई कि नहीं है? क्या लास्ट टाइम भी मैंने ये तीनों इक्वेशन डिस्कस की थी? मैंने बोला था इसकी एप्लीकेशन पे अभी नहीं जाएंगे, अभी डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन पूछी जाती है. और डेरिवेशन करने के दो तरीके हैं, एक ग्राफिकल मेथड, दूसरा कैलकुलस मेथड. हम ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं लास्ट वाली वीडियो में या लास्ट वाले लेक्चर में. अभी हमने क्या करना है, यही तीन इक्वेशंस ड्राइव करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. कौन से मदद से? कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे. अच्छा, कैलकुलस का मतलब क्या है? कैलकुलस का मतलब है डिफरेंशिएशन भी करनी है, डिफरेंशिएशन भी करनी है. डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स भी करना है, और इंटीग्रेशन भी करनी है. इंटीग्रेशन मतलब सांप लगा के वाई डी एक्स करना है. समझ आया कि नहीं आया? आपने क्या करना है, देखना ध्यान से. मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़नी है. इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कल भी पढ़ी थी. इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती हैं, 9 से हम जानते हैं. डेरिवेशन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका हम कल पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे कैलकुलस मेथड से. कैलकुलस मेथड का क्या मतलब है कि एक बार डिफरेंशिएशन करनी है और एक बार इंटीग्रेशन करनी है. बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना. मैं बोल रहा हूं कि लेट अस ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड. विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को आप ड्राइव करो. कैसे ड्राइव करोगे? देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से. क्या आपको ये पता है ना, ये पता है ना ध्यान से, कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डीवी अपॉन डीटी होता है. ये तो पता ही है ना यार. वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन. छोटी वेलोसिटी अपॉन छोटा टाइम. डी रिप्रेजेंट करता है छोटी वेलोसिटी को, डीटी रिप्रेजेंट करता है छोटी टाइम को. छोटा टाइम अपॉन छोटी छोटा वेलोसिटी अपॉन छोटा टाइम, दैट इज इंटरस्टेनियस एक्सेलरेशन. इंटरस्टेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ए इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी. क्या आपने एक बार डिफरेंशिएशन लिखा नहीं लिखा यार? डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज डीवी अपॉन डीटी. एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो डिफरेंशिएशन वाली टर्म तो आपने कर ली. डिफरेंशिएशन वाली तो टर्म कर ही ली ना आपने, अच्छे से की ना डिफरेंशिएशन. अब आपने dt को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो. a dt इज इक्वल टू dv. जैसे ही d इधर और इधर देखो तो इंटीग्रेशन लगा दो. तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो. इधर इंटीग्रेशन a dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वी. समझ आया कि नहीं? इंटीग्रेशन की ना आपने, जब इंटीग्रेशन की, अब मुझे ये बताओ, इधर ध्यान से समझना, फोन बंद कर लेना वे केड़ी. सुनना, डी डी टी से मल्टीप्लाई हुआ ए डी टी, आगे क्या आया डीवी. जैसे डी डी इधर देखा तो इंटीग्रेशन लगा दिया. बात समझ आई कि नहीं आई? अब मेरी बात सुनो, यहां पे छोटी वेलोसिटी है, यहां पे भी छोटी वेलोसिटी, ये छोटा टाइम पीरियड है, छोटा टाइम पीरियड. बड़ा निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है. यहां पे लिमिट कौन सी है टी वाली, तो आप लिखोगे जीरो से लेकर टी तक. और यहां पे लिमिट कौन सी है वी वाली, तो आप टाइम क्या, कहां से कहां तक, यू से लेकर वी तक. समझ आया कि नहीं आया? अब ध्यान से समझना, इधर
इंटीग्रेशन ए डी टी जीरो से लेकर टी तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू वी डी वी। ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, ए बाहर, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तक डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू से लेकर वी डी टी। ये जो सांप सांप, ये सांप है, ये भी सांप है, इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन की है हमने। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स पता क्या होता है, दैट इज एक्स, क्या होता है x. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा, दैट इज टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कोई भी पूछे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी और लिमिट कहां से कहां तक निकालते हैं, जीरो से लेकर टी तक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी, दैट इज वी, लिमिट कहां से कहां तक, यू से लेकर वी तक। अब ध्यान से देख, ए ऐसे ही एक बार टी पुट किया, अपर लिमिट माइनस एक बार जीरो पुट किया, इज इक्वल टू एक बार वी पुट किया माइनस एक बार यू पुट किया, तो ए इंटू टी ए टी, ए इंटू जीरो जीरो इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये यू को उधर ले जाओ, यू प्लस ए टी इज इक्वल टू वी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओ माय गॉड, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है। क्या मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया? यस किया। किसकी मदद से किया? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की मदद से किया। दोनों मेथड अगर एक ही डेरिवेशन में हो तो वो उसका मतलब क्या होता है, कैलकुलस। रिपीट करने की कोई जरूरत? आप समझ गए, आपको याद रखोगे इक्वेशन डेरिवेशन स्टार्ट कहां से होगी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, जब डी और डी इधर आएगा तब आप इंटीग्रेट करो, ताकि टोटल टाइम के लिए और टोटल वेलोसिटी के लिए आपकी इक्वेशन तैयार हो सके। अब मेरी बात सुनना, इधर दूसरी इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से। ये इक्वेशन कहां से स्टार्ट करनी है, पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे जानते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे ही करते हैं ना। अब मुझे ये बताओ वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी को लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना, अच्छे से समझना जो मैं बोल रहा हूं, अच्छे से समझना मैं बोल रहा हूं। क्या आपने एक बार डिफरेंशिएशन कर ली? यस सर, कर ली। डिफरेंशिएशन वाला स्टेप हो गया ना, अभी आपने कौन सा करना है, इंटीग्रेशन वाला स्टेप करना है। ये dt है, उसको उधर ले जाओ, dx is equal to u plus at, इसकी इतु छाल मरवाई at है dt, इसको फिर अब अंदर मल्टीप्लाई करो, dx is equal to u dt plus at dt। अब मुझे ध्यान से देखो, इधर भी d, इधर भी d, इधर भी d, जब d d बराबर आ जाए तो तब हमें इंटीग्रेशन कर लेनी चाहिए। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, दोनों तरफ a इंटीग्रेशन d, x इंटीग्रेशन x, x मतलब छोटी डिस्प्लेसमेंट, और यहां आपने डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक की, जीरो से लेकर एस तक, जीरो से लेकर एस तक इज इक्वल टू यू डी टी, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक की, जीरो से लेकर टी तक। अब देखो ना, ये यहां पे फंक्शन कौन सा, टी, तो लिमिट भी वैसे वाले फंक्शन की रखनी, प्लस ए टी डी टी। अब यहां से इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी टी। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, मैं ऐसी आंखें बंद करके बोल रहा हूं, अगर ऐसे हो ना डी एक्स हो तो आप लिमिट कहां से कहां तक लिखोगे, जीरो से लेकर एस तक, और अगर ए डी टी हो तो कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, और अगर कहीं ऐसे हो वी डी वी हो ना तो ये क्या होगा, यू से लेकर। वो डिपेंड करता है कि फंक्शन कौन सा है, उसी के मुताबिक हम लिमिट लगाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना, इधर इधर ये वाली इक्वेशन आराम से मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, इधर इंटीग्रेशन डी एक्स कहां से कहां तक, जीरो से लेकर
एस तक, जीरो से लेकर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यू डी टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक। सुनो, डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, अभी नहीं कर रहा मैं, थोड़ा इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। डी एक्स जीरो से लेकर एस तक, यू को बाहर ले आओ, यू इंटीग्रेशन यू से लेकर टी डी टी, प्लस ए को बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन यू से लेकर टी टी डी टी। मैंने आपको पहले सिखा रखा है कि कहीं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो तो उसका मतलब क्या होता है एक्स, कहीं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स हो तो आप क्या लिखोगे, पावर में एक बढ़ाया, पावर एक है ना, पावर में एक बढ़ा दिया और उसी पावर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। अब यही चीज मैं इधर लगा रहा हूं, डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर एस तक, यू वैसे ही, डी टी की इंटीग्रेशन क्या, टी, कहां से कहां तक, यू जीरो से लेकर टी तक। अब मुझे यह बताओ, ए वैसे ही रहेगा, टी डी टी की इंटीग्रेशन, ये ऐसा ही नहीं है एक्स डी एक्स, तो टी में टी की एक पावर बढ़ाई तो ये कितना हो गया टू, और उसी पावर से क्या कर दिया, डिवाइड, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक। बात समझे कि नहीं, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखना, एक बार एक्स की जगह एस रखेंगे, एस माइनस जीरो, और एक बार टी माइनस जीरो, प्लस ए, एक बार टी की जगह टी रखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन टू माइनस, और एक बार टी की जगह क्या लिखेंगे, जीरो स्क्वायर अपॉन टू। अब मेरी बात सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक्स एक बार एक्स की जगह एस रखेंगे, माइनस एक बार एक्स की जगह जीरो रखेंगे, एस माइनस जीरो, यू यू एक बार टी की जगह टी रखेंगे, माइनस टी की जगह जीरो रखेंगे, ए का ए एक बार टी की जगह टी स्क्वायर अपॉन टू रखेंगे, माइनस जीरो स्क्वायर अपॉन टू, ये आ जाएगा एस, जीरो तो है ही नहीं है ना, यू इंटू टी दैट इज यू टी, इससे इधर करेंगे तो माइनस जीरो ही बचेगा, प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए टी स्क्वायर अपॉन टू, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो ही बचेगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बची, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। अब ध्यान से देखो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओ माई गॉड, ये वाली चीज उसके मतलब ड्राइव होगी ना यार, ये यहां से शुरू हुए थे। अच्छा, क्या आपने डिफरेंशिएशन भी किया, यस, क्या आपने इंटीग्रेशन भी किया, यस, एक साथ दोनों किए एक ही डेरिवेशन में, तो उसको क्या हम इकट्ठे क्या बोलते हैं, भैया कैलकुलस मेथड, कैलकुलस का मतलब ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता। अब सुनो, इसी तरह से तीसरी इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, सुन लो पहले मेरी बात, तीसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, ध्यान से समझना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्या नॉलेज है ना, वी क्या होता है, वी इज वेलोसिटी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, ए इज द एक्सेलरेशन, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, टी इज द, इस इक्वेशन से मेरा टाइम के साथ कोई लेना देना नहीं। अब मेरी बात आराम से अच्छे से सुनना, सुनो मेरी बात, डिराइव करने से पहले आपको पता है डिफरेंशिएशन भी लगेगी, इंटीग्रेशन भी लगेगी, ध्यान से, जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पता चल गया कि कौन सी इक्वेशन में कब लगाना है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डेरिवेशन आसान हो जाती है। सुनो मेरी बात, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, क्या डिफरेंशिएशन लग गई, यस सर आपने लगा दी है डिफरेंशिएशन, ओके लग गई। अब क्या करो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, ऊपर भी डीएक्स से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी डीएक्स से मल्टीप्लाई करो,
किया ना ऊपर dx, अब इसको जंप करवाओ इधर और इसको जंप करवाओ इधर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt. अच्छा dx अपॉन dt किसके बराबर होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू v, यही इक्वेशन में इधर लिख रहा हूं छोटा सा, एक्सेलरेशन dv अपॉन dx और ये मैंने v लिखा, इस dx को छाल मार के हमने इधर कर दिया, a dx इज इक्वल टू इस v को आगे कर दिया v dv. अब मुझे ये बताओ क्या d और d एक ही तरफ आ गए, आई नहीं आए, यस सर आगे, d और d एक ही तरफ आगे, जब d और d एक ही तरफ आए तो आप क्या बोलते, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इस तरह इंटीग्रेशन किया, ये इंटीग्रेशन a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dv. आपको मैंने बता दिया फंक्शन x का तो 0 से लेकर s तक, फंक्शन dv का तो u से लेकर v तक, a कांस्टेंट बाहर, a आ गया बाहर, आ गया dx 0 से लेकर s तक इज इक्वल टू v बाहर, ना v बाहर नहीं निकालेंगे, पता है क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि v कांस्टेंट नहीं है, a इसलिए बाहर निकाला क्योंकि वो कांस्टेंट था, इसको हम ऐसे लिखेंगे v dv u से लेकर v तक. अब मुझे ये बताओ dx की इंटीग्रेशन क्या होती थी, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx का क्या होता था, पावर में एक ऐड किया तो 1 और उसी पावर से डिवाइड कर दिया तो x 2 अपॉन 2, उसी तरह से इधर भी लगाएंगे a, तो ये कितना हो जाएगा, x ही आएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर s तक इज इक्वल टू v के पावर में एक ऐड किया तो 2 बन गया, उसी से डिवाइड कर दिया कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, u से लेकर v तक. अब बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना इस चीज को, जो मैं समझाना चाहता हूं उसको अच्छे से समझना. देखो इसको मैं इधर कर रहा हूं, इसको मैं a यहां से शुरू कर रहा हूं, देखना a अपर लिमिट क्या है मेरे पास, s माइनस 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस u स्क्वायर अपॉन 2. मेरी बात सुनो, देख रहा हूं एक बार v की जगह v डाला v स्क्वायर अपॉन 2, एक जगह v की जगह u डाला माइनस v की जगह आपने u डाला u स्क्वायर अपॉन 2. अब देखो ना ये कितना हो गया, as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 आ गया कॉमन, 2 इधर आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया उधर, तो ये कितना हो गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको उठा के उधर डाला तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर. तो ध्यान से देखो तो क्या हुआ, इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ओ माय गॉड, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इधर इधर हमने तीन इक्वेशन ड्राइव किए हैं, ये जो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड से कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं, कैलकुलस. अच्छा एक चीज ध्यान से समझना इधर इधर, ये जो तीन इक्वेशंस थी ना इसमें आपको पता होना चाहिए v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम, s क्या है डिस्प्लेसमेंट. जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको खुद समझ बढ़ जाएगी कि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है. शुड आई रिपीट? नो सर. समझ आया ना? यस सर. पक्का? यस सर.